महिला हैं जो हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अग्रसर होके उसको कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए आप बड़ी मेहनत करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर साल की तरह इस साल भी अवार्ड किया जा रहा है, बताना चाहेंगे क्या तैयारी चल रही है? बड़ी खुशी की बात है, भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास किए थे, मुझे लगता है कि 14 वर्षों का वनवास हमारा भी टूट रहा है। इस साल 14 दिसंबर को हमने रखा है, 14 वर्ष हो रहे हैं और 14 दिसंबर, तो खुशी की बात है कि आप सभी के सहयोग से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सभी सीनियर और जूनियर सभी टेक्नीशियन समाज के सभी लोगों की बदौलत में यहाँ 14 वर्ष पूर्ण कर पाया हूँ, ये अपने आप में बहुत गौरव महसूस करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को, सभी को जिन्होंने मुझे अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया और इस मुकाम पे पहुँचने बहुत बड़ा योगदान दिया, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमेशा हमने प्रयास किया है, हमारे लिए सारे कलाकार एक समान है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा है। ये ऐसा एक अवार्ड है, यहाँ स्पर्धा है, यहाँ किसी प्रकार की कुछ भी चीजें नहीं है, सम्मान समारोह नहीं, ये अवार्ड है। इस अवार्ड ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आप लोग को पता होगा 2008 का वो दौर जब लोग घर से नहीं निकलते थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अटैक कर रही थी समाज में, उस दौर में भी हमने आप लोग की ही मदद से समाज का और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का भी सम्मान बचाया था जब लोग घर से नहीं निकलते थे। तो खुशी होती है लोगों के साथ मिलता है, सारे कलाकार और सारे लोग ने साथ दिया तभी तो हुआ, और हमेशा सभी लोग ने परफॉर्म किया, कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो हमारे मंच पर परफॉर्म ना किया करने की लालसा ना रखता हो। तो कभी कभी होता है परिवार में चार भाई होते हैं, कभी मतभेद होता है, हो सकता है कभी दो है तो दो ही है, लेकिन मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, जो है उसका भी स्वागत है, जो नहीं है उसका भी स्वागत है। इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, नए नए लोग आ रहे हैं और हमेशा परिवर्तन ही नियम परिवर्तन होते रहता है। हमने शुरू किया कोई किशन जी अकेले, इसके बाद दिनेश लाल जी आए, पवन जी आए, इसके पहले मनोज जी थे, रवि जी थे, दिनेश जी आए, पवन जी आए, कैसा निकाल आए, अब देख रहे तमाम नए नए कलाकार आ रहे हैं, नए 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 अभिनेता कहते हैं कि भोजपुरी अवार्ड में जाने से हम लोगों को कोई फायदा नहीं होता, कोई सम्मान नहीं मिलता है, ऐसे कलाकारों को क्या कहेंगे, क्या सम्मान देना चाहते हैं? नहीं था, मैंने हिंदुस्तान का कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसने क्वार्टर पेज इस चीज को ना छापा हो। 10 दिन पहले मैंने पुराने फुटेज निकाल रहा था, मुझे खुद को समझ में नहीं आता है, ये मैं भावनात्मक बात बोल रहा हूँ कि ये बिहार मैंने ये किया है। ये जितने पुराने आर्टिस्ट है उनकी भावनाओं को जब मैंने देखा, मैंने उसको कटिंग करवाया, एडिटिंग कराया है और देखता हूँ कि आज तक कोई हिंदुस्तान के नेशनल चैनल, मराठी चैनल, गुजराती चैनल नहीं है जिन्हें आधा आधा घंटा एक एक घंटा इसको लाइव ना दिखाया। मैं 15वें वर्ष में ये सारी चीजों के घंटा दिखाऊंगा, ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ी नहीं हुई, पहले तो कोई कुछ भी करता है, कोई हिंदुस्तान का चैनल नहीं है जिसने आधा आधा घंटा एक एक घंटा इसको दिखाया है, तब जाकर इंडस्ट्री बड़ी बनी। बॉलीवुड की कौन सी सेलिब्रिटी आप क्या विजिट कर चुके हैं? हमारा प्रयास होता है कि अपने इंडस्ट्री के लोगों को, आपको संजय भाई जैसे पता है, हमने आने के तो बहुत सारे गोविंदा जी जैसे शख्सियत लोकसभा सांसद थे, बड़े स्टार थे, फिर भी उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनना मेरा स्वीकार किया। बॉलीवुड
तिवारी, रवि किशन छोड़ के नीचे है, पवन मोहन जी है, खेसारी जी है, दिनेश जी है, चिंटू, ये लोग भोजपुरी अवार्ड समारोह कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? महसूस करती है और मुझे भी अच्छा लगता है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, आपको सपोर्ट करते रहेंगे। Thank you.